सॉरी बेटा। क्या कर रही हो कंचन, ध्यान से करो यार। अब एक्चुअली एडी के बाल उलझे हैं ना, तो मैं सुलझा रही हूँ एडी के बाल। मैं एडी के बाल सुलझा रही हूँ। इसे इंग्लिश में जानना है, मैडम बताएंगी आज। इसके लिए आप यूज करेंगे ब्रश आउट का। ब्रश का मतलब होता है जब आप बालों में कंघी करते हैं आप ब्रश का यूज करते हैं, लेकिन ब्रश आउट का यूज करेंगे जब बाल उलझे हों और आप सुलझा रहे हों, मतलब गांठे खोल रहे हों उसकी, या फिर किसी चोटी को आप खोल रहे हैं तो भी आप ब्रश आउट का यूज करेंगे। तो गाइज यहाँ मैं बोलूंगी आई एम ब्रशिंग आउट एडीज हेयर। अब आप बताइए बालों में पड़ी जो गांठें होती हैं उन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। Do write in the comments below, like, subscribe and share.